देखो जानो संगवारी, सुखर हमर चिन्हारी। देखो जानो संगवारी, सुखर हमर चिन्हारी। देखे सुने के अब्बर जगह है यहाँ, ज्ञानिक सुजानिक के ठौर है जी हाँ। देखे सुने के अब्बर जगह है यहाँ, ज्ञानिक सुजानिक के ठौर है जी हाँ। छत्तीसगढ़ के महिमा हवै निराली, देखो जानो देखो जानो संगवारी, सुखर हमर चिन्हारी। देखो जानो संगवारी, सुखर हमर चिन्हारी। जोहार, हमर चिन्हारी के कार्यक्रम में आप सब जन के स्वागत है। आज के जो हमर चिन्हारी के गोट बात करबो, वो बिलासपुर जिला में स्थित है और सब लेख जुन्ना गढ़ घलो का है। तो आप मन जान डरे हो कि हम कौन चिन्हारी के बात करत हन, और अगर नहीं जाने हो तो ये गीत ल सुनाओ। ऋग्वी गजोत बरत है मोर महामाई, ऋग्वी गजोत बरत हबै वो। बिल्कुल ठीक चिन्हे हो। आज हम जो उन चिन्हारी के गोट बात करबो, वो है श्री महामाया मैया रतनपुर। तो बिल्कुल देरी नहीं करन, चलो मैया के दर्शन करबो, ओकर जस गाबो और जानबो कि मैया कैसे आईस, कैसे बिराजीस, ओकर महिमा का है। तो लाओ बोलो मोर संग जयकारा, बोलो महामाया मैया की जय, और चलो मंदिर। देखो जानो संगवारी, सुखर हमर चिन्हारी। देखो जानो संगवारी, सुखर हमर चिन्हारी। बिलासपुर कोरबा मुख्य मार्ग मा 25 किलोमीटर के दूरिया में स्थित है आदिशक्ति महामाया देवी के पवित्र और पौराणिक नगरी रतनपुर। रतनपुर के भारी जुन्ना गौरवशाली इतिहास रहे है। त्रिपुरी के कलचुरी मन रतनपुर ला अपन राजधानी बनाइन और छत्तीसगढ़ मा लंबा बेरा तक के राज करिन। रतनपुर ला चतुर्युगी नगरी घलो कहे जाते। बताथी ये नगरी के सतयुग मा मणिपुर, त्रेता मा मानिकपुर, द्वापर मा हीरापुर नाव रही से, और यही बेरा कलयुग मा इला रतनपुर के नाव ले जाने जाते। और यही रतनपुर मा बिराजे हैं आदिशक्ति महामाया देवी। इतिहासकार मन के अनुसार श्री महामाया देवी के मंदिर के निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम 11वीं शताब्दी के आसपास करवाए रहिन हैं। बताथी कि 1045 ईस्वी मा राजा रतनदेव प्रथम मणिपुर नाव के गांव मा शिकार करेला आइन। शिकार करत करत रात हो गए, ता राजा एक पेड़ के तरी मा रात बितइन। जब आधा रात के राजा के नींद खुलिस, तव मन देखिन कि थोर किन दुरिया मा श्री आदिशक्ति महामाया देवी के सभा लगे है। ओला देख के राजा हा अकचकागे और बेसुध हो गे। भीनिया उठ के राजा अपन राजधानी तुम्मान खोल लहुट गे। बताथी ओ घटना के कुछ दिन बाद राजा हा रतनपुर ला राजधानी बनाए के निर्णय लीन और भव्य मंदिर बनवाइन। सन 1042 के समय तुमान के राजा रत्नदेव शिकार करे बर ओहर निकले रहिस अपन घर से। ओ पहुँचिस रतनपुर में, ओ समय यहाँ घना घोर जंगल रहिस। त ये जो मंदिर बने हैं, निर्माण हो है, ओखर बगल से एक बट वृक्ष है। तो बट वृक्ष के ऊपर चढ़ के ओहर विश्राम करत रहे। ओ समय अकस्मात ओखर नींद खुलिस, तो देखिस सामने तो दिव्य प्रकाश ओकर नज़र के सामने आइस। देवी मने उमन साक्षात देवी है, उनकर सभा लगे रहे या खिलतिन हुई जो भी बात है। तुरंत ओकर फिर निद्रा आ गए, तो स्वप्न उला देहिस के तय हमन देवीयन और हमर नाम से तय मंदिर के यहाँ निर्माण करवा। जब ओकर नींद खुलिस तो जौन एक कुंड है वहाँ से हमर महामाया माँ खनन से स्वप्न के द्वारा खनन किए गई, तो वहीं से वो मूर्ति निकलीस और ओखरे हाथ से निर्मित है। वो राजा है वंश के राजा है, जेखर नाम है रत्नदेव। इतिहासकार मन के अनुसार 11वीं शताब्दी में बने ये मंदिर देवी महामाया ला समर्पित थे। ये उही जगह आए
जहां राजा रत्नदेवला देवी दर्शन दे रही हैं। मूल रूप ले ये मंदिर हा तीन देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती बर बने रहीस। बताती बाद मा महाकाली जी ये मंदिर ल छोड़ दीन। राजा बहार साई डहार ले एक नवा मंदिर बनाएगीस, जेमा देवी महालक्ष्मी और देवी महासरस्वती बिराजीन। एक किंवदंती के अनुसार सती के मृत्यु ले व्यथित होके भगवान शंकर उखर मृत काया लले के तांडव करत भटकत रहीन हैं। यही बेरा माता के अंगा जौन जौन जगह में गिरीस वो जगह हा शक्तिपीठ बन गे। बता थी महामाया मंदिर रतनपुर जौन जगह महावय वहाँ माता के दाहिना स्कंद गिरे रही से। भगवान शिव स्वयं मिला कौमारी शक्तिपीठ के नाम दे रही हैं। एखरे बर ये जगह ला माता के 51वां शक्तिपीठ में शामिल करेगी है। यहाँ के इतिहास के संबंध में यह है कि तुमान जो है पाली के पास, वहाँ का राजा पृथ्वीदेव द्वितीय था, उस समय की घटना है। वहाँ के एक काम करने वाला घसियारा, घास काटने वाला व्यक्ति आता है और रास्ता भूल जाने के कारण बर के पेड़ में चढ़ के वो रात व्यतीत करता है। प्रातः उसे महाकाली की सभा लगी हुई दर्शन होते हैं। उस बात को जाकर राजा को बतलाता है कि राजा मैंने इस प्रकार के अचंभा देखा। राजा भी उस चीज़ को देखना चाहता था और उस व्यक्ति के साथ में आकर बर पेड़ में बैठ के रात व्यतीत करते हैं। दोनों को पुनः महाकाली के सभा लगा हुआ दर्शन होता है और जब दर्शन पा लेते हैं तो आकाशवाणी से आदेश होता है कि राजन तुम भाग्यशाली हो जो इस व्यक्ति के साथ में आके बैठे हो, इसलिए आपको भी दर्शन हमारी हुई। अब चूंकि दर्शन पा चुके हो तो आप अपना तुमान से राजधानी बदल के रतनपुर में बनाइए और जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह की खुदाई करिए, वहाँ हमारी मूर्ति महाकाली की मिलेगी, उसकी स्थापना करिए और आगे चलकर आपके वंशज में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिसके कारण से हमें रतनपुर छोड़ करके कलकत्ते में जाके स्थापित होना होगा। इतिहासकार मन के अनुसार मंदिर के मंडप नागर शैली में बने हैं और 16 ठन स्तंभ में टिके हैं। मंदिर के द्वारी के तीर काल भैरव जी विराजमान हैं। प्रांगण में महिषासुर मर्दिनी, माता भद्रकाली, माता महाकाली और दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति घलो विराजमान हैं। प्रांगण में जूना बेरा में जौन बलि दे जात रही से ओ जगह घलो हाबे। प्रांगण में ही एक ज्योति स्थान है जिहाँ 1984 से लगातार अखंड ज्योथा जलत है। यही प्रांगण में कुछ जुन्ना मिले मूर्ति जेमा कुछ जैन मंदिर के भी हावय विराजमान है। मंदिर परिसर के भीतर अब्बड़ बड़ कुंड घलो हावय। कुंड के ऊपर एक जुन्ना मंदिर कंठी देवल स्थित हावय। बताती ये मंदिर सब्बो मंदिर ले जुन्ना आए। इतिहासकार मन के अनुसार एखर निर्माण संतोषगिरी नामक एक तपस्वी डहर ले करे गे रही से। ये मंदिर के चारों दरवाजा घलो नक्काशीदार हावय। राजा रत्नदेव एक रहीने शिकार खेले खातिर आ रहे हैं यहाँ पे। वो समय यहाँ जंगल रहे से पूरा, एक बर के ऊपर जो है विश्राम करते हैं रात्रि के समय। अब विश्राम करते हुए उनका निद्रा आ गए अचानक, तो निद्रा अवस्था में अर्ध निद्रा अवस्था में उन सपना देखी कि राजा तय यहाँ आए हज, मैं यहाँ विराजमान हूँ, मूर्त यहाँ स्थापना करवा, मैं माँ महामाया बोलत। तो ये माँ महामाया के सपना का सुन करके राजा के निद्रा जब भंग हो वहाँ से, तब वहाँ पे खुदवाई करवाई चौहा खुदाई करवाई तो ये माता जी की जो मूर्ति दिख रहे हैं आप मन का, ये मूर्ति साक्षात वहाँ प्रकट हुई।
जिला राजा जी ने स्थापना कराई। अभी आप जिन दर्शन कर रहे हैं ये दो रूप में है, एक महालक्ष्मी ऊपर में और दूसरा है महासरस्वती। एक साथ में एक मूर्ति और रही से जिला कथे महाकाली। तो महाकाली के जिन रूप है वो एक बार राजा यहाँ राजा के लड़का दर्शन करे खातिर रही, जब मंदिर के पट बंद हो गए रही से, तो यहाँ एक परिपाटी ये नियम है आदि काल से कि माँ के शयन कराने के बाद यहाँ जिन्हें कोई पुनः प्रवेश नहीं कर सके जब तक महाराज जी आकर के, जिन पुजारी महाराज जी आकर के विधि विधान से उनकर पूजा ना कर लें तब तक पट नहीं खुला है वहाँ। अब पट बंद होए के बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही खुलते हैं, बीच में नहीं खुले रात्रि वगैरह के समय। अब वो राजा के लड़का अभिमान में आ करके बोले लगे कि मैं राजा के लड़का हूँ, बोला दर्शन से तुमन काहे वंचित करा था, तुमन तो मोर नौकर आ पुजारी कहते। ये प्रकार के ब्राह्मण के जब अपमान करे जो है अपमान करके वो दरवाज़ा खोल करके वो राजकुमार अंदर चले गए। माँ काली के यह बर्दाश्त नहीं हुई कि ब्राह्मण के अपमान परंपरा का यह तोड़ रहे हैं। तब तो राजा के लड़का का माँ काली जी ने वो भक्षण कर लेन। अब भक्षण करे के बाद उनके ऊपर की सब पगड़ी के रूप में जिन्हें बोला छोड़ दें। और बात राजा का स्वप्न दी माता जी कि मैं तो लड़का का भक्षण कर गए हूँ, काहे कि ऐसे ऐसे बात जे बात लाभ बन सुने। राजा प्रातः काल आई चवा करके देखा थे कि राजकुमार की जिन पगड़ी हुए सब ऊपर में है, बाकी माँ काली के रूप बंद कर दे। राजा घमंड में आ करके बोल दीज कि माँ महाकाली की पूजा मत करो और लक्ष्मी जी के और सरस्वती जी की पूजा कराओ। तब ओकर आदेश से महालक्ष्मी महासरस्वती की पूजा होए लगी। तब माता जी उकर से रुष्ट होकर के यहाँ से चले गई। वो राजा चक्रवर्ती सम्राट से पूरा पृथ्वी के सम्राट रहने हैं, तो यहाँ से जा करके तुर पृथ्वी के तो राजा तय मैं तुर पृथ्वी में रेवे नहीं कराऊँ, ऐसे करके यहाँ से माता जी चले गई और समुद्र के किनारे जिन महाकाली जिन कलकत्ता में दर्शन करता आप वहाँ जाके विराजमान हुई। पहले वहाँ पे जल ही जल रही थे, बाद में कालांतर वहाँ जिन्हें जल सूख करके भूमि के रूप में है और महाकाली के दर्शन वहाँ होते। महामाया मंदिर रतनपुर में ज्योति कलश कक्ष घलो है। जी हाँ, चैत और कुमार महीना के नवरात्रि पर्व के बेरा में हजारों श्रद्धालु मन के मनौती ज्योत घलो जलाती। महामाया मंदिर ला वर्तमान में एक ट्रस्ट डहार ले संचालित करे जाते जौन मंदिर के प्रबंधन के काम ला देखते। ये ट्रस्ट डहार ले समाज के गरीब और विकलांग मन के उत्थान बर बेरा बेरा में कई ठन उद्दीन घलो करे जाते। ट्रस्ट डहार ले नाम मात्र के राशि लेके श्रद्धालु मन बर उत्तम भोजन की व्यवस्था घलो करे जाते। ये महामाया मंदिर जन है, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 11वीं शताब्दी के मंदिर है। और यहाँ जब से ट्रस्ट बनी 1983 में एक समिति बने थे और वो समिति में हमर बलराम सिंह ठाकुर जन रही से, दुष्यंत शुक्ला जी रही से, रामशंकर गोरख जी, मोतीचंद जायसवाल जी, इनकर द्वारा एक समिति गठित करी और 1986 में ये समिति ला पंजीयन करा के ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट बने के बाद दिनों दिन यहाँ जिन विकास होते गई, विकास हमन के सामने में ये दिखी कि जब हमन शुरू ट्रस्ट हुई तो 5 ज्योति से यह शुरुआत हुई थी, यहाँ सिर्फ 5 ज्योति यहाँ जली। धीरे धीरे आज की स्थिति में हो गए कि दोनों पर्व जो नवरात्रि होते शारदीय नवरात्रि और वासंती नवरात्रि 31,000 ज्योति यहाँ जलते। 31,000 ज्योति की व्यवस्था के लिए करीब 350 हवन ज्योत रक्षक बुलाथन, उनकर द्वारा ज्योत के सारी व्यवस्था किए जाते हैं, तेल डालना बाती सुधारना ये सब काम उनका द्वारा किए जाते हैं। ये मंदिर जन है प्रातः 6 बजे पुजारी द्वारा खोले जाते हैं। प्रतिदिन अभिषेक होते, सबसे पहले दुग्ध से अभिषेक करते, स्नान कराते, ओकर बाद श्रृंगार होते। प्रतिदिन यहाँ नया नया साड़ी के बनारसी साड़ी के श्रृंगार होते, सोने चांदी का जो आभूषण है उनका श्रृंगार किए जाते, ओकर बाद पूजा पुजारी द्वारा किए जाते हैं। पूजा के बाद यहाँ सुबह दिन प्रातः आरती 7 बजे के आरती होते हैं, दोपहर के 11:30 बजे भोग लगते हैं, दैनिक भोग लगते हैं, रात के 7 बजे आरती होते हैं। एक प्रकार से 3 बार यहाँ आरती के जो नियम चले आ रहे हैं वो आज तक के चलते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे विदेश से भी दर्शनार्थी आते हैं और उनका ज्योत भी यहाँ जल रहा है और मनोकामना के लेके आते हैं, और आज तक के अभी प्रमाण है कि सबके मनोकामना पूर्ण होते हैं। अभी कल परसों की ही बात है, कुछ दर्शनार्थी आए हुए रहे से हमसे बोला थे वह
कि महाराज जी मैं एक मनौती मान के गए रहे हूँ और मन मनौती पूर्ण हो गए, नारियल बांधे रहे हूँ और पूर्ण हो गए है, तो ये नारियल मैं का करूँ। हम कहें भाई ये नारियल से बांध के गहरे से नारियल लते निकाल दे और निकाल के विसर्जन कर दे। तो हमारे मंदिर के सामने जिन कुंड है वो कुंड है बहुत ही प्रसिद्ध कुंड है, वहाँ के जल से अभिषेक भी होते, पूजन भी होते, वो जल का चरणामृत के रूप में ग्रहण भी करते, स्नान भी करते कुंड में। हम यहाँ ग्राम मझगाँव जिला बेमेतरा से आए हुए हैं और बहुत दिन से आए की इच्छा रही से यहाँ के बारे में बहुत सुने रहे कि रतनपुर वाले महामाया मंदिर के वहाँ जाए से हर मनोकामना पूरा होते करके। और आज हमन पूरा परिवार सहित लगभग लगभग 15-20 आदमी दो तीन गाड़ी किराया करके यहाँ पहुँचे हैं। सुबेरे से निकले रहें, हमला पहुँचे में लगभग लगभग दो तीन घंटा लग गए हैं आए में। और यहाँ एक बात बहुत अच्छा लगी, बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ के, यहाँ के बारे में सुने रहें, ओखर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ के मतलब विकास हुए है। और यहाँ मंदिर ट्रस्ट भी बहुत अच्छा काम करत है, लगातार पर्यटक मन पर अच्छा अच्छा सुविधा उपलब्ध कराते हैं यहाँ, प्रसाद वितरण और गाड़ी स्टैंड पार्किंग व्यवस्था भी बहुत सुंदर रूप से करे गए है। रतनपुर के महामाया देवी मंदिर में दोनों नवरात्र चैत माँ और कुंवर माँ भारी संख्या में श्रद्धालु मनाते, हजारों के संख्या में जोत जलते और मस्त जस गीत गायन घलोक करते। आजो ये देखो कैसे ढंग से बढ़िया गावा थे, गाजा बाजा के साथ जस गीत, तो चलो आनंद लीन। रतनपुर में अजब बिराजे महामाई हो मां, अजब बिराजे महामाई रतनपुर में, अजब बिराजे महामाई हो मां, अरे अजब बिराजे महामाई रतनपुर में, अजब बिराजे महामाई जलत हे वो मैया जोत जलत हे, जोत जलत हे वो मैया जोत जलत हे, कृपा करे महामाई रतनपुर मा अजब बिराजे महामाई हो मा, अजब बिराजे महामाई रतनपुर में, अजब बिराजे महामाई हो मां, अजब बिराजे महामाई।
तानापुर मा अजब बिराजे महामाई हो मा अजब बिराजे महामाई रतनपुर में अजब बिराजे महामाई हो मा तरस बर आवे देवता धामी रतनपुर मा अजब बिराजे रतनपुर में अजब बिराजे महामाई हो मा अजब बिराजे महामाई रतनपुर में अजब बिराजे महामाई हो मा अजब बिराजे महामाई रतनपुर में अजब बिराजे महामाई ये रही समाराज के चिन्हारी महामाया देवी रतनपुर। आप मन बढ़िया मैया के आशीर्वाद भी ले हो, उखर महिमा ल जाने हो, उखर जस ल सुने हो। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल में घलो का ही ओला लाइक करहू, सब्सक्राइब करहू और शेयर भी करहू। तो अब जाए के बेरा होवत है, तो अवैया इही दिन इही बेरा फिर भेंट होही एक नवा चिन्हारी के संग। वो चिन्हारी का रही उलत मैं बता सकत हूँ, लेकिन आप मन ऊपर छोड़त हूँ। आप मन गैस करो वो चिन्हारी ला अमोला दो विदा जोहार। देखे सुने के अब बड़ जगह है यहाँ, ज्ञानिक सुजानिक के ठौर है जी हाँ। छत्तीसगढ़ के महिमा हवे निराली, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी।